हेलो स्टूडेंट, हेमंत सर इज हियर। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th के केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक चैप्टर्स के न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है हमारे वर्कडन के। सो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। जब कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मली कंप्लीट होती है देन द वर्कडन जो होगा हम उसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सो लेट स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क। ओके, सो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे जो सॉल्व प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए वो वाले। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन है 4.1 का। सो द प्रॉब्लम नंबर 4.1 सेज 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम 15 क्यूबिक डेसीमीटर टू 20 क्यूबिक डेसीमीटर एट अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1.2 bar। सो वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन जूल्स। ओके, सो क्वेश्चन पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजिली। ओके, सो 3 मोल ऑफ एन आइडियल गैस दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ एन इज 3 मोल्स। देन वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम 15 लीटर टू 20 लीटर। दैट मीन्स 15 लीटर हो जाएगा हमारा इनिशियल वॉल्यूम एंड 20 लीटर हो जाएगा हमारा फाइनल वॉल्यूम। सो इनिशियल वॉल्यूम इज रिप्रेजेंट बाय V1 विच इज 15 क्यूबिक डेसीमीटर एंड V2 इज द फाइनल वॉल्यूम एंड विच इज 20 क्यूबिक डेसीमीटर। और जो अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है वो प्रेशर है 1.2 बार का। एंड वी हैव टू फाइंड द वर्क डन इन जूल। That means W equals to question mark that we have to find. So now we have to write the formula first. So the formula, see this is the given part that you have to write first, then to find and then formula. So formula kya hai? Formula hai W equals to minus P external into del V. Okay. So this is the formula that we have to apply. Okay. So now we are going to solve the question. Solve. Okay. So first we have to write the formula. So we have W equals to negative P external into del V. Del V is nothing but the change in volume. Since हमको पता है del V equals to होता है V2 minus V1. So we have to write V2 minus V1. So इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। Therefore क्या हो जाएगा? It is W equals to negative P external into V2 minus V1. Okay? Because हमारे पास V1 और V2 की वैल्यू दिया हुआ है, so हम इसको कन्वर्ट करेंगे V1 एंड V2 में। Now substitute. Now substitute values in above equation. So we have W equals to negative P external हमको दिया हुआ है 1.2 bar. So here we have to write 1.2 bar into V2 is again given. V2 दिया हमको 20 cubic decimeter. So here we have to write 20 क्यूबिक डेसीमीटर माइनस V1 दिया हुआ है। V1 इज 15 क्यूबिक डेसीमीटर, सो इट इज 15 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, सो नाउ W इक्वल्स टू, फर्स्ट हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओके, सो क्या हो जाएगा? इट इज नेगेटिव 1.2 बार इन दिस इनटू 20 में से 15 माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास? 5 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई 5 एंड 1.2, सो वी विल गेट, सी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, सो मैग्नीट्यूड विल बी नेगेटिव। सी अभी पॉइंट को भूल जाओ, इट इज 12 फाइव्स आर 60 और एक के बाद में पॉइंट है, तो एक के बाद में आ जाएगा पॉइंट और यूनिट क्या हो जाएगी? क्यूबिक डेसीमीटर बार या फिर बार क्यूबिक डेसीमीटर। सो हम लिख देंगे बार DMQ. Okay, so this is our answer in bar cubic decimeter या फिर cubic decimeter bar. अब बच गया है
हमको आंसर पूछा हुआ है जूल में, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू जूल्स। सो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव व्हाट वी हैव, 1 bar क्यूबिक डेसीमीटर इक्वल्स टू होता है 100 joules। कितना होता है 100 joules, दैट मीन्स इसको हमको अगर जूल में कन्वर्ट होता करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके सो नाउ देयरफॉर डब्ल्यू विल बी, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू -6.0 bar क्यूबिक डेसीमीटर इनटू, ये हो जाएगा, सी हमको इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये चल जाएगा इसके डिवाइड में, सो क्या हो जाएगा 100 joule डिवाइड बाय, ये हो जाएगा बार क्यूबिक डेसीमीटर, या फिर हाँ ऐसे लिखेंगे हम बार DMQ। सो DMQ से DMQ कैंसिल और बार से बार भी कैंसिल, सो आंसर किस में आएगा जूल्स में। ओके सो 100 इंटू 6 इज 600, सो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 into 6 यानी 600 हो जाएगा और आंसर आ जाएगा जूल में। ओके नाउ दिस इज अवर आंसर इन जूल्स, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 600 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ओके एंड दिस इज आवर आंसर। सी जो नेगेटिव साइन है ये एक्सप्लेन करता है वेदर द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग और द वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम, सो इट डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड। अगर W की वैल्यू नेगेटिव आ रही है दैट मीन्स सिस्टम ने वर्क किया है सराउंडिंग पर, इसी को हम कहते हैं द 600 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ओके दिस इज द फिजिबिलिटी ऑफ वर्क। ओके सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव सॉल्व, सो इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग जस्ट स्किप दिस रिपीट वीडियो वंस। ओके सो राइट इट डाउन। Now we are going to solve the second solved problem of your textbook. Okay, so the problem 4.2 says, calculate the constant external pressure required to compress 2 mole of an ideal gas from the volume of 25 cubic decimeter to 13 cubic decimeter when work obtained is 4862.4 joules. So, according to the given question, we have written the given part over here. Okay. So, the 2 mole of an ideal gas was compressed isothermally from initial volume 25 cubic decimeter to 13 cubic decimeter and work obtained is 4862.4 joules. Then, we had to find the external pressure. Okay. So, this is our given part which is derived from the question and to find is P external. So, and we have to apply the formula which is W equals to minus P external into del V. Okay. So, humko yahan par work done diya hua hai, volume diye hue hai aur humko find karna hai P external. Okay. So, hum value put karenge del V ki. देन वर्क डन की, अब देखो यहां पर जो वर्क डन आएगा वो हमको यहां पर क्यूबिक डेसीमीटर एंड जो प्रेशर आएगा वो बार में आएगा, एंड हियर इट इज वर्क डन गिवन इन जूल, सो फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस वर्क डन इन क्यूबिक डेसीमीटर बार फर्स्ट। ओके देन वी विल गेट द आंसर बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन, सो फर्स्ट वी हैव टू राइट द फॉर्मूला, इट इज W equals to minus P external into del V. Since again del V equals to क्या होता है, it is V2 minus V1. तो यहां पर हम replace कर देंगे
देयरफॉर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W इक्वल्स टू हो जाएगा निगेटिव P एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। ओके नाउ हमको कैलकुलेट सी, सबसे पहले तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज और गिवन वैल्यूज इन अबो फॉर्मूला। सो फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे, W की वैल्यू दिया हुआ है, W इज 4862, इट इज 4862.4 जूल्स इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल तो हमको कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू राइट इज एज इट इज इनटू V2 इज गिवन, इट इज 13 क्यूबिक डेसीमीटर माइनस V1 इज 25 क्यूबिक डेसीमीटर। ओके सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस जूल इनटू क्यूबिक डेसीमीटर एंड बार फर्स्ट। ओके सो जब भी हमने क्या किया था इन प्रीवियस क्वेश्चन, हमने क्यूबिक डेसीमीटर बार को कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया था, यहां पर हम 100 से डिवाइड करेंगे। ओके सो क्या हो जाएगा 4862.4 जूल डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 100 इंटू, ये हो जाएगा बार dm क्यूब डिवाइड बाय जूल्स, इट इज क्यूब, सो जूल से जूल कैंसिल, हम इसको सॉल्व करेंगे। सो सी 100 से डिवाइड करें तो पॉइंट दो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा इट इज 48.624, अब ये हो जाएगा इन बार dm क्यूब इक्वल्स टू, यहां पर हमने कहा कि p एक्सटर्नल तो एज इट इज है, सो माइनस p एक्सटर्नल इनटू, सी क्या है 25 में से 13 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, सो क्या आ जाएगा बड़े वाले नंबर का साइन आ जाएगा, और 25 में से 13 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा इट इज 12 dm क्यूब। अब हमको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, सो ये हो जाएगा p एक्सटर्नल इनटू 12 dm क्यूब। ओके नाउ हमको p एक्सटर्नल निकालना है, सो इस 12 क्यूबिक डेसीमीटर को अनदर साइड में ट्रांसफर करेंगे, तो अभी ये मल्टीप्लाई में है सो ये डिवाइड में आ जाएगा। ओके सो क्या हो जाएगा 48.624 बार dm क्यूब डिवाइड बाय, सी ये वाला पोर्शन लेकर आ रहा है, इट इज 12 dm क्यूब। सी अब ये जो p एक्सटर्नल है मैं इसको इस साइड में लिख रहा हूं, सो ये हो जाएगा इट इज p एक्सटर्नल इक्वल्स टू dm क्यूब से dm क्यूब कैंसिल, तो आंसर किसमें आ जाएगा 12 में। ओके सो सॉल्यूशन हम कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, सो क्या हो जाएगा इट इज p एक्सटर्नल इक्वल्स टू, अब डिवाइड करेंगे सो 12 फोर्स आर 48, फिर सिक्स में डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, फिर 12 फाइव्स आर 15, सॉरी 12 फाइव्स आर 60, 12 फाइव्स आर 60 में से यहां बच गया 2, तो ये हो गया 24, सो 12 टूज आर 24 और यूनिट क्या हो जाएगी इट इज बार, सो दिस इज द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज रिक्वायर्ड इन गिवन क्वेश्चन। ओके सो नाउ वी हैव द आंसर, सो वी हैव टू राइट रिजल्ट, सो रिजल्ट को मैं यहां लिख रहा हूं, ये आपको सबसे लास्ट में लिखना है। ओके सो द रिजल्ट विल बी, सो क्या हो जाएगा रिजल्ट, द रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्रेशर विल बी 4.052 बार। ओके एंड इट इज आवर आंसर। ओके सो आपको जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं फॉर 100% मार्किंग यू हैव टू फॉलो दिस वे, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन पार्ट, देन लिखना है टू फाइंड, फिर लिखना है आपका फॉर्मूला,
फॉर्मूले के बाद सॉल्यूशन और लास्ट में आपको लिखना है रिजल्ट. ओके, सो दीज फाइव थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो राइट इट डाउन. So now we are going to solve the next problem. Problem says when 200 ml of ethylene reacts with 100 ml of HCl gives C2H5Cl. Okay? See, यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिया हुआ है, बट यहाँ पर इथिलीन का वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml और HCl का वॉल्यूम दिया हुआ है 150 ml. बट इसका भी एक मोल लग रहा है और इसका भी एक मोल लग रहा है. That means, जितना HCl यूज होगा उतना ही यूज होगा हमारा इथिलीन ऑल्सो. दैट मीन्स दोनों का जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे. ओके, सो हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द गिवन रिएक्शन एंड द प्रोडक्ट और उनके वॉल्यूम ऑल्सो. ओके, सो इन गिवन रिएक्शन one mole of C2H4 reacts with one mole of HCl to form one mole of C2H5Cl. Therefore, क्या हो जाएगा, V1B हो जाएगा 150 ml. ओके, अब ये 150 ml ये हो गया प्लस 150 ml ये दोनों हो जाएंगे ना. सो 150 ml प्लस 150 ml हो जाएगा हमारा इनिशियल वॉल्यूम. एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट इज अगेन 150 ml फॉर्म हो रहा है. ओके, क्योंकि ये भी वन मोल यूज हो रहा है, ये भी वन मोल यूज हो रहा है और ये वन मोल फॉर्म हो रहा है. सो सभी का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, सेम होगा. सो V1 इक्वल्स हो जाएगा 150 ml प्लस 150 ml एंड विच इज इक्वल्स टू 300 ml. अब ml को हम क्यूबिक डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाता है इट इज 0.3 लीटर और लीटर को ही हम बोलते हैं क्यूबिक डेसीमीटर. ओके, सो हमारा जो V1 है, V1 क्या हो जाएगा 0.3 dm³. लाइकवाइज अब हमारा V2 क्या हो जाएगा, V2 इक्वल टू हो जाएगा, ये भी 150 ml फॉर्म हो रहा है क्योंकि ये भी 1 मोल ही है. सो ये भी हो जाएगा इट इज 150 ml. अब 150 ml इसका मतलब ये हो जाएगा 0.15 लीटर और लीटर इक्वल्स टू होता है क्यूबिक डेसीमीटर. देयरफॉर V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 हो जाएगा 0.15 क्यूबिक डेसीमीटर. ओके, सो प्रेशर है 1 bar, वॉल्यूम है हमारे पास इनिशियल एज वेल एज फाइनल, हमको वर्क डन फॉर फाइंड करना है और फॉर्मूला भी हमारे पास है. So we can solve the given reaction easily. Reaction और उसमें work done. So solve करेंगे तो first हम लिखेंगे formula. So, क्या होता है formula? It is W equals to minus P external into del V. Since del V equals to क्या होता है V2 minus V1. तो इस value को हम यहाँ पर place कर सकते हैं del V के बदले में. So क्या हो जाएगा W equals to minus P external into V2 minus V1. Okay? Now, सारे के सारे वैल्यूज है हमारे पास, so we have to substitute. So now, substitute given values in above equation. ओके, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W equals to minus
पी एक्सटर्नल कितना दिया हुआ है, पी एक्सटर्नल है 1 बार, सी हो जाएगा इट इज 1 बार इनटू वी टू कितना दिया है बेटा, वी टू है 0.15 बार माइनस वी वन कितना है, वी वन है 0.3 सी इट इज वॉल्यूम है तो वॉल्यूम बार में नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूबिक डेसीमीटर में, सो इट इज डी एम क्यूब माइनस 0.3 डी एम क्यूब। ओके सो नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 0.3 फ्रॉम 0.15, सो क्या हो जाएगा इट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 1 बार इंटू सी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब 3 के इसमें कुछ नहीं यानी 0 है तो 5 में से 0 गए 5 सी, अब इसमें से सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 3 में से 0.30 में से 0.15 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सो क्या हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, यहां बच गया 2, 2 में से बन गया 1, यहां बच गया 0 तो हो जाएगा 0.15, सो नंबर बड़ा कौन सा है 0.3 तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा हो जाएगा माइनस 0.15 और यह आ जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर में, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा W इक्वल्स टू माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो हो जाएगा 0.15 बार डी एम क्यूब, सो ये हमारा आंसर हो गया किसमें बार डीएम क्यूब में। अब हमको उसको कन्वर्ट करना है किसमें जूल्स में, सो क्या हो जाएगा नाउ वी नो व्हाट वी नो 1 बार डी एम क्यूब इक्वल्स टू होता है 100 जूल। ओके या फिर 100 जूल पर अब इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये कहां जाएगा इसके डिवाइड में, देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 0.15 किसमें अभी ये यह है बार डी एम क्यूब में, सो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 100 जूल पर डी एम क्यूब बार, सो बार से बार कैंसिल, डीएम क्यूब से डीएम क्यूब कैंसिल, तो आंसर कितना जाएगा जूल्स में। सो सी ये नेगेटिव ऑलरेडी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका था तो यहां पर पॉजिटिव आएगा। ओके सो हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू 0.15 इंटू 100 ये हो जाएगा 15 और यूनिट हो जाएगी जूल। ओके नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। ओके सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके सो नाउ वी हैव द आंसर सो वी हैव टू राइट रिजल्ट, सो रिजल्ट क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा द वर्क डन या फिर हम डायरेक्टली इसकी फिजिबिलिटी के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15 जूल ऑफ वर्क इज डन, सी पॉजिटिव है इसका मतलब सराउंडिंग ने सिस्टम पर वर्क किया है। ओके सो 15 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द गिवन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके सो दिस इज द वे यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके सो राइट इट डाउन फर्स्ट, सो स्टूडेंट्स हियर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ अवर थर्मोडायनामिक और उसका जो टॉपिक है जिसको हम कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क जहां पर प्रोसेस आइसोथर्मली होती है। ओके सो दीज थ्री क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके
सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर अपडेटेड वीडियोस अबाउट योर स्टडी. ओके, सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय फॉर नाउ.